नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। और आज हम किसी वीडियो की रेसिपी नहीं डाल रहे हैं, आज हम एक मिनी चॉपर का रिव्यू करेंगे। ये एक मिनी चॉपर है, ये हमारे बहुत ही किचन में काम को आसान कर देता है और इससे हमारा समय बहुत बच जाता है। ये हमने बिग बाजार से लिया है और इसका प्राइस 495 है, लेकिन मुझे ये 250 में पड़ा है, यानी 250 रुपये में मुझे मिला है बिग बाजार में। ये अमेजोन से भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम छूट चल रही थी, लेकिन ये जबील है, जिस टाइम छूट चल रही हो तो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। और ये सब्जियाँ बहुत ही जल्दी और बारीक काट देता है। जो बारीक कटी सब्जियाँ हमारे चीला में, सलाद में, पराठे में, रायते में, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों मेन चीज़ होती है कि इसमें बिजली या लाइट की मुझे ज़रूरत नहीं होती है, मुझे बिजली का इंतज़ार नहीं करना होता है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये इस तरह का मिनी चॉपर है एक, मैंने अभी इसको यूज नहीं किया है। ये इस तरह है, ये इसमें यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ये इस तरह हम खींच के इसको सब्जियों को चॉप करते हैं। दोस्तों इसके नीचे एक ये रिंग दी गई है जो ये स्टेबिलिटी करती है, खिसकती नहीं है जब हम इसको चलाते हैं। तो इस तरह से इसको कहीं भी रखते हैं तो ये स्टेबल रहती है। इस तरह से इसको खोलते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से इसमें हुक दिए गए हैं जिससे ये लॉक हो जाता है। और इस तरह से हमारा एक ये ब्लेड होते हैं, ये ब्लेड बहुत ही तेज होते हैं, ये स्टील के बने हुए हैं। ये भी बहुत ही अच्छा और हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हल्का है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये आप कहीं से भी, आम दुकान से भी परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये हमारी सब्जियों को काटने में बहुत ही मुझे हेल्प करता है। और ये मेन चीज़ ये रबर सिस्टम है, ये हमारे लॉक को बनाए रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले मैं इसको रखती हूँ, ये जार लिया है मैंने, इस तरह से लगा लिया है। और ये सब्जियाँ ली है मैंने कुछ, इनको मैंने मोटा मोटा काट के रखा है। तो सबसे पहले हम ये गाजर लेते हैं, गाजर के मैंने कुछ इस तरह से मैंने टुकड़े कर लिए हैं, इसको इसमें डाल लेते हैं। गाजर हमने सारी डाल ली है, अब इसको लॉक करेंगे। ये लॉक हो गया हमारा, देखिए दोस्तों इस तरह से इसको चलाना है। देखिए हमारा गाजर ये चॉप होना शुरू हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गाजर को मोटा मोटा इसको चॉप कर लिया है। अगर इसको बारीक करना है तो एक मिनट इसको और चलाते हैं हम। फिर से लगाया मैंने, एक मिनट इसी तरह से और चलाएंगे। देखिए ये हमारी बारीक हो गई है। और भी ज़्यादा आप बारीक करना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा बारीक हो जाएगी, मोटा करना चाहते हैं तो मोटा भी हो जाएगी। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गाजर मैंने निकाल लिए। तो अब हमने प्याज लिए, प्याज के मैं इस तरह से इसमें टुकड़े करके डालती हूँ। ये प्याज मैंने मोटा काट के इसमें डाल दिया है, अब इसको भी करते हैं ढक्कन किया लॉक। देखने के लिए दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से दिख जाता है। अभी हमारी प्याज थोड़ी सी मोटी है, इसको थोड़ा और चलाना है मुझे। देखिए हमारी प्याज इस तरह से हो गई है। और भी इसको बारीक करना है तो और भी हम बारीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इसको इतना ही मोटा रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम शिमला मिर्ची चॉप करेंगे। मैंने इस तरह से इसके टुकड़े कर लिए हैं, आप चाहे तो मोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं चॉप। Thank you.
शिमला मिर्ची कितनी अच्छे से चॉप हो गई है और इसमें कितना समय की बचत हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हमारी सब्जियां सारी चॉप हो रही हैं। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम टमाटर को चॉप करेंगे। टमाटर भी हमने इस तरह से मोटे मोटे काट लिए हैं। अब इसको दिखाते हैं चॉप करके। देखिए हमारा टमाटर भी चॉप हो चुका है और इस तरह से ये चॉप हुआ है। देखिए कितना, अब मैंने मोटा किया है, आप इसको बारीक भी कर सकते हैं। अब इसको भी निकाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम आलू चॉप करेंगे। आलू के हम इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े करेंगे। आलू, खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आप कुछ भी इसमें चॉप कर सकते हैं। ये मैंने एक आलू लिया है, चलिए ये भी करते हैं। देखते हैं हमारे आलू कैसे हुए। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से हमारे आलू चॉप हुए हैं। तो बचे हुए टुकड़े भी हम इसी में डाल देते हैं। ये टुकड़े भी हमने सारे डाल दिए हैं इसमें। अब एक बार हम इसको फिर से चलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आलू भी हमारे कितने अच्छे से चॉप हो गए हैं। आप बारीक मोटा किस कैसा भी इसमें चॉप कर सकते हैं। मुझे जल्दी से बच्चों के लिए झटपट किसी दिन अगर आलू चीला बनाना है तो फटाफट इसमें मिनी चॉपर में, तो ये है ना हमारे कितने काम का और बहुत महंगा भी नहीं है, हमारे अफोर्डेबल बजट में है। तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। और ख़ासकर छोटे बच्चों के घरों में ये चीज़ बहुत ही होनी चाहिए, अच्छी फायदेमंद है, क्योंकि बच्चों की वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए ये हमारी सब्जियों को जल्दी ही और कम समय में फटाफट चॉप कर देती है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। तो अगर आपके बजट में है तो आप हमारे रिव्यू को एक कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसको खरीदें, चाहे ऑनलाइन खरीद सकते हैं या कहीं से भी खरीद सकते हैं। और देखिए हमारी ये सब्जियाँ कितनी अच्छे से किसी में भी यूज कर सकते हो आप, रायते में, पराठे में, सलाद में। और प्लीज़ अगर हमारी ये मिनी चॉपर का रिव्यूज अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि सब्जियाँ इसमें चॉप होके किस किस काम में आती हैं और कितनी जल्दी हमारा समय को बचा देती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।